जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी यानी 2022 की भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है और 10 दिसंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी होता क्या है, साथ ही में जीडी की भर्ती एंड नौकरी कैसी होती है, साथ ही में क्या इसमें काम करना पड़ता है, कौन सी फोर्स सबसे अच्छी होती है, साथ ही में यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, साथ ही में आपको सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए, असम राइफल्स एंड आईटीबीपी एंड एसएसएफ एंड का एसएसवी के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरा इसका समझ में आ जाए कि एसएससी जीडी का क्या प्रोसेस होता है, नौकरी कैसी होती है, सारी चीजें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट के बारे में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहली बात तो यह समझते हैं कि आखिर यह एसएससी जीडी होता क्या है। तो आप सभी को बता दें कि देखिए एसएससी जो होता है यह है आपका स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, जो कि एसएससी की तरफ से ये जो भर्ती होती है जीडी की ये करवाई जाती है। अब जीडी की भर्ती किसमें करवाई जाती है, तो जीडी का मतलब आप सभी को शायद ही पता होगा कि जनरल ड्यूटी इसका मतलब होता है और ये जो भर्ती होती है जीडी की कांस्टेबल पोस्ट पर होती है। तो ये जो भर्ती होती है भारत के जितने सीएपीएफ फोर्सेस हैं उन सभी में करवाई जाती है, यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय पुलिस बल में ये भर्ती करवाई जाती है। तो जैसे कि आपका सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ, एनआईए, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी फोर्सेस की वैकेंसी निकाली जाती है और कांस्टेबल पद पर जीडी की वैकेंसी होती है। तो एसएससी आपका हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक एजेंसी है जो कि आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, आपकी भर्ती को कंप्लीट करवाती है। अब इसके अलावा जो नंबर सेकेंड पे बात आती है वो आती है कि जीडी की नौकरी कैसी होती है। तो आप सभी को बता दें कि जीडी यानी जनरल ड्यूटी सामान्य तौर पर जो एक कांस्टेबल सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस में जो नौकरी करता है उसका जॉब प्रोफाइल आप सभी को आगे चल के क्लियर हो जाएगा, क्या क्या काम करना पड़ता है वो भी सारी चीजें क्लियर करेंगे। इससे पहले आप सभी को यह समझ लेना जरूरी है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। यहां पे देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो आपको क्लियर कर दें कि यहां पे सबसे पहले इस भर्ती में करवाया जाता है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है, जो कि आपका कंप्यूटर पर होता है। इसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट। तो आप सभी को बता दें कि रिटन एग्जामिनेशन में यानी कि स्टार्टिंग में इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं लगभग 40 से 50 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मेरिट बनती है, उसी के बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। तो जितनी वैकेंसी होती है, जैसे कि मान के चलिए अगर 50 गुना आपकी वैकेंसी होती है, 50,000 आपकी वैकेंसी होती है, तो 50,000 वैकेंसी के 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता है, यानी कि 6 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि फिजिकल में अपीयर होंगे। तो ये प्रोसेस होता है, यानी 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी होंगी, जिसमें आपका पीएसटी एंड पीटी यानी कि आपकी नाप तोल और दौड़ भाग होती है। इसमें केवल आपकी दौड़ होती है 5 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए और 1600 मीटर की रनिंग होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा नंबर सेकंड पे जो आता है वो आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। जब नंबर थर्ड पे तो जब आप पीएसटी एंड पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, यानी कि जितनी वैकेंसी होती है उसके 3 गुना कैंडिडेट। तो हमने मान के चला कि 50,000 वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा वो 1.5 लाख कैंडिडेट को, यानी 1,50,000 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल जितने कैंडिडेट पास होंगे उनमें से ऊपर वाले मेरिट के अकॉर्डिंग 1,50,000 में जो कैंडिडेट आ रहे होंगे उन सभी को डीएमई यानी मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा फिर आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन साथ में ही, और अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल में फेल हो जाता है तो वो रीमेडिकल दे सकता है। और सबसे लास्ट में बनती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, और इसमें इस लिस्ट में जिसका नाम होता है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो रहता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो भर्ती होती है 10th पास से होती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से आपने कहीं से भी 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर थर्ड पे जो बात आती है वो आती है सबसे अच्छी फोर्स की बात, क्योंकि इसमें कई सारी फोर्स होती है, लगभग 8 यहाँ पे फोर्स होती है, जिसमें आपकी बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड असम राइफल्स, एनआईए एंड एसएसएफ, ये सभी फोर्सेस शामिल होती हैं। तो अच्छी फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो पीस एरिया में रहती है और अच्छी जगह, जो लोकेशन वाइज अगर हम बात करें कि कौन सी फोर्स अच्छी होती है और जिसके लिए सबसे ज्यादा चॉइस भरी जाती है और मेरिट जिसके लिए सबसे ज्यादा जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आती है एनआईए, नंबर 2 पे आती है आपकी सीआईएसएफ एंड नंबर 3 पे आती है एसएसएफ। तो सबसे ज्यादा
ज़्यादा जो टॉप प्रायोरिटी दी जाती है वो NIA को, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये फोर्स है, तो इसे सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी काफ़ी कम होती है, तो इसीलिए इसकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। इसके अलावा जो नंबर सेकेंड पर आती है वो टॉप प्रायोरिटी रहती है लोगों की CISF, तो सबसे ज़्यादा चॉइस करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो CISF के होते हैं, इसीलिए CISF की भी जो कट ऑफ होती है थोड़ी सी हाई जाती है। बाकी का आपका हो जाएगा सचिवालय सुरक्षा बल, ये आपका SSF हो जाता है। अब अगर हम सैलरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सैलरी के अकॉर्डिंग आपका नंबर वन पे आती है CRPF, नंबर सेकंड पे आती है BSF और नंबर थर्ड पे आती है आपकी ITBP, क्योंकि ये रिमोट एरियाज, और आप सभी को बता दें कि ऐसे आतंकवादी क्षेत्र में मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज में काम करती हैं, इसीलिए इनके जो भत्ते होते हैं, अलाउंस वगैरह होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसी की वजह से अगर आपको सैलरी के हिसाब से देखनी है तो CRPF सबसे ज़्यादा, अगर आपको एक रॉ के हिसाब से देखनी है कि अगर आपको एक सही ठीक ठाक जगह रहना है तो NIA, CISF एंड SSF आप चूज कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में बात आती है वो आती है आपकी SSC GD में सैलरी की बात, तो आप सभी को बता दें कि इसकी जो पे स्केल है कांस्टेबल की, आपको लेवल 6 की यहाँ पे सैलरी दी जाती है, लेवल 6 में अगर हम बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। जब तक अगर आप कांस्टेबल लेवल पर रहते हैं तो आपकी मैक्सिमम सैलरी 69,100 रुपये तक जा सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये आपकी बेसिक पे है 21,700, इस पर भत्ते वगैरह और जो भी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं उसके पैसे इस पर ऐड हो जाते हैं, और साथ ही में आपकी लोकेशन जहाँ पे आप पोस्टिंग है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भत्ते होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग आपको 40,000 से 50,000 रुपये तक सैलरी मिल जाती है। ये आपका डिपेंड करेगा कि कैसे एरिया में आप पोस्टेड हैं, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये एरिया के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा। जब आपकी एरिया अगर खराब होगा तो डेफिनेटली आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप पीसफुल एरिया में जब आप पोस्टेड होंगे तो आपकी सैलरी भी यहाँ पे कम हो जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग होता है। आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें एकदम से क्लियर कर लिया, 7 CPC की यहाँ पे आपको जो होती है सैलरी दी जाती है। जॉब की अगर मैं बात करूँ कि कैसी जॉब है, तो आप सभी को बताइए कि फिलहाल बेरोजगारी के टाइम की बात करें, और उसके अलावा अगर हम नंबर सेकेंड पर बात करें तो आप सभी को पता है कि जिसे फौज की इन्फॉर्मेंट ट्रस्ट होता है और जो जाना जाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या CAPF में, डेफिनेटली उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको बता दें कि डायरेक्ट आप GD कांस्टेबल की भर्ती इन फोर्सेस के द्वारा नहीं होती, डायरेक्ट आपका SSC ही इन भर्तियों को कंडक्ट करवाता है, और आपके लिए ये काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस भी आपको काफ़ी मिल जाती है, जिसमें आप NIA, CISF, SSF जैसी फोर्सेज में जा सकते हैं। तो ये मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है। आपको क्लियर कर दें कि 10 दिसंबर 2022 से लेके 19 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी भी 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी में एज होगी, OBC 3 साल और SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, उम्र की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। तो आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होंगी इस जॉब प्रोफाइल के बारे में, और साथ ही में आपकी सैलरी के बारे में, और SSC GD होता क्या है इसी के बारे में आपको पता चल गया होगा, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी पता चल गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही में अगर आप SSC GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की आती है, जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है, साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।